Sony LIV. We live to entertain. Download the app. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. प्लीज वेलकम कपिल एज किसान, श्वेता एज अ फॉरेन प्रोड्यूसर एंड मुबीन एज हर सेक्रेटरी. करम पाजी पैरी बने रहो, खुश रहो. भाभी भाई सत श्री अकाल. अरबाज भाई अदाब. अर्चना जी नमस्ते. वस्ते बाद में पहले अपना ऑटो हटाओ बाहर से. कितनी बार कहा हमारी इज्जत रखा करो यार. कुछ धर्म पाजी आने वाले फिर भी ऑटो लेके कई लोगों का पैसा कमा के दिल नहीं भरता. धर्म पाजी इतना पैसा कमाते फिर भी दिहाड़ी करनी करनी बाहर जाके ऑटो चलाने इन लोगों को. पर है बड़ी मेहनती. मैं आपको सही बताऊँ, इनके ऑटो का एक चक्का नहीं है पिछले वाला, तो उसको इधर से उठा के ना यूं यूं करके चलाती है. बहुत ज़्यादा मेहनती है. होता है कई बार, हर आदमी को होता है. मैं ओवर टाइम करो. एक दिन तो हद हो गई मजदूर दिवस वाले दिन, और झंडे और पतली पिन वाला चार्जर बेच रही सिग्नल पे. एक दिन तो और हद हो गई. ऐसे बच्चा लेके ना गोद में ऊपर से दुपट्टा डाल के, और लोगों को बोल रही गाड़ियां खटखटा के, किसी ने 10 रुपए दिए. कहती 10 रुपए नहीं, ये बच्चा बेच रही हूँ, पता नहीं कहो. हद होती है. बाकी सन्नी पाजी नहीं आए, मेरी बात हुई थी इनसे. वो कहते एक सन्नी देओल तो आपने ऑलरेडी बिठा रखा था, मैं क्या करूँ. बाकी मैं आपको बताऊं तरम पाजी, मैं आपका बड़ा फैन हूँ. आपकी मैंने फिल्म देखी ना शोले, उसमें जो आपने टंकी वाला सीन किया, सबकी बातें मनवा ली आपने. मैंने सेम किया, मेरी कोई बात नहीं मान रहा था मोहल्ले में. मैं टंकी पे चढ़ गया, बात तो मेरी क्या मानी थी, सालों ने सीढ़ी उतार ली. 3 दिन तक मैं ऊपर ही टंगा रहा, लेकिन हम लोग दिमागी आदमी, आपको पता है दिमाग लड़ाया मैंने. मैं टंकी में कूद गया, नीचे से किसी ने टूटी खोली मैं बाहर. बाकी पाजी मैं शुरू से एक्टर बनना चाहता था. मैं क्या, एक दो लोगों को छोड़ दो, बाकी सारा पंजाब जब से आप हीरो बने ना सब एक्टर बनने के पुतले हुए हैं. मेरी सारी तैयारियां हो गई थी, पूरा काम हो गया था, टिकट मेरी बुक हो गई थी, सारा सामान पैकिंग. स्टेशन पे याद आया मुझे जाके कि मेरे को एक्टिंग नहीं आती. फिर मैं वापस मुड़ गया. हमको ये एड्रेस जानना मांगता है. हाँ. हमको मिल ही नहीं रहा है, आपको पता है? हाँ, मैं बताता हूँ, बताइए. ये एड्रेस आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला. क्यों? ये आपको बताना पड़ेगा, मुझे लिखा क्या अंग्रेजी में. अनपढ़ गवार कहेंगे तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती. मैं तेरे कुहनी मार के ना तेरा ऊपर वाला होड़ तोड़ देना. मैंने हम लोग पंजाबी आदमी है, जब तक 2 पैग नहीं लगाते हमारी अंग्रेजी बाहर नहीं आती. तुमको ये एड्रेस बताना है तो बताओ, नहीं तो हम जाकर किसी और से पूछेगा. तो पूछ लो किसी और से. जब गांव का अंग्रेजी का टीचर नहीं बता पाया तो बाकी कौन बताएगा. तुम टीचर हो हा? और तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती. ये बार बार सुधीर मत बनो, सारी उम्र मार खाई तुमने धर्मेंद्र भाई से फिल्म. फालतू की बकवास करो, ये हमें एड्रेस बताओ. होटल दलजीत बस अड्डे के पास. होटल दलजीत? यस. वो तो बंद हो गया. कब का बंद हो गया? होटल बंद हो गया तो हम रहेंगे कहाँ, और हमारी फिल्म कैसे बनेगी? एक मिनट, आप दोनों होटल में आपस में फिल्म बनाने आए हो? बेवकूफ, इनके कहने का मतलब है हमें 40 दिन तक कंटिन्यू रहना है. कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? तो आप मेरे यहाँ रुको, मेरी कोठी में रुको आप. पर ये कोठी होती क्या है? कोठी यार मैं कैसे बताऊँ कोठी आपको, जैसे लड़की डांस करती है, लड़का दारू पीता है, दैट इज कोठा. तो लड़का पीता है, लड़का ही डांस कर रहा है, दैट इज कोठी. 600 लोग और आएंगे अभी यहाँ पर. उसमें प्रॉब्लम क्या है? 600 पीपल आपकी कोठी में कैसे रहेंगे? करना क्या है मैडम, पीछे वाली दीवार गिरानी है, पीछे 3 एकड़ जमीन अपने अंदर ले लेनी है, पीछे जिसका दिल है जिधर मर्जी सोए. आप लोग अपनी दीवार गिरा के किसी और का जमीन ले लेते हो? तो मैडम हम तो फिर भी दीवार गिरा के ले रहे हैं. कई लोग तो अपनी दीवार गिराए बिना हमारी जमीनों में घुस रहे हैं. हमने कुछ कहा? हमने कुछ, ये बात हमको समझ में नहीं आई. तुझे समझ में आती तो जज ना बनता तू. देख बताता हूँ मैं, एक औरत अपने पति से कहती है, सुनो जी हमारे किचन में चीनी नहीं, चीनी ले आओ. तो पति कहता है फिक्र मत करो, 18 किलोमीटर अंदर आ ही गए हैं, किचन तक भी आ ही जाएंगे. हमको भूख लगा है. आपको भूख लगा है? तो आप बताइए, पूरे खेत है, सब कुछ उगता है इधर, जो खाना खाइए आप. हमको ना पंजाबी वेजिटेबल, पंजाबी दाल, पंजाबी रोटी, सब पंजाबी खाने का है. एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, जो बाहर से आता है पंजाबी दाल, आपकी दाल आपका मुर्गा सेम ही होता है. हमारा मुर्गा का पंजाबी का पगड़ी बांध के ढोल बांध के ऐसे आया मुर्गा, ये क्या मुर्गा? पंजाबी दाल
पंजाबी दाल के क्या मूछे निकली होगी? पंजाबी चपाती के दुपट्टा लेके गिद्दा करती आएगी? सेम ही होता है। खाने का है, हम यहाँ जिस वास्ते आए वो काम खत्म करते हैं। तुम हमको बताओ यहाँ खेत कहाँ है? इतनी दूर से आप हल्के होने के लिए आए हो? What? Shut up! हम यहाँ खेत में रोमांटिक सॉन्ग शूट करेगा। ये बड़ी काम की बात की आपने, आपको पता नहीं है आपको कोरियोग्राफर लाने की जरूरत नहीं है, डांस के स्टेप अपने आप बनते हैं। वो कैसे? वो क्या होता है ना, हमारे खेतों में लोग सुबह सुबह मीटिंग करके जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको बस जहाँ जहाँ मीटिंग हुई ना वहां से बच बच के चलना है। तो ये देखो ये, और अगर एक दिन में आपका गाना नहीं खत्म होता, अगले दिन फिर वही गाना शूट करना है, तो आपको लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। कंटिन्यूटी नहीं रहती ना, कई मीटिंगें नहीं आ जाती हैं। तुम लोकेशन छोड़ो, तुम हमको ये बताओ, हम अपना मूवी में इंडियन हीरो लेने को मांगता। अच्छा? तुम बताओ यहाँ पर इंडियन हीरो कौन है जो सुपरमैन कर सकता है? हम सुपरमैन 4 बना रहे हैं। सुपरमैन 4 बना रहे हो तुम? ये क्या बनाते रहते हो आप लोग फिल्म? हीरोइन कपड़े पहनती नहीं, हीरो दो दो चंडियां पहन के घूम रहा है, हद होती तुम्हारी, ऐसे थोड़ी होता है। तो सर इतना बताओ कि इंडियन हीरोज में सुपरमैन कौन बन सकता है? देख रहा, सामने बैठे हैं अर्चना जी के बगल में तरमपा जी, एवरग्रीन सुपरमैन, एवरग्रीन। धर्मेंद्र, ओ माय गॉड, व्हाट अ हैंडसम मैन, ओ आई लव यू। बस कर जाओ, स्टेज पे आ जाएंगे। ये हमारे सुपरमैन, आज भी स्माइल देते हैं, लाखों लड़कियां मरती हैं। पुराने हीरो पुराने मरते हैं। देखो पुराने को छोड़ो, नई बात करो, क्या एक सपोर्टिंग हीरो भी चाहिए? तो मैं सलमान खान को ले लेती हूँ। सलमान खान को ले लो, ले लो, ले लो, आता है तो ले लो। अपने भाई को 4 साल बाद डेट दिए, तुम्हें तो जरूर देगा। तो फिर हम किसको हीरो लें? मैं कह रहा हूँ तरमपा जी को ले लो, इनके लिए आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, इनके गाने भी हिट हैं। जी क्या आप ये फिल्म करना चाहेंगे? अरे मैं सोचता हूँ यहाँ पहले क्यों नहीं आया स्टेज पे। इन लोगों से दूर क्यों रहा? आई एम सो हैप्पी, ऐसे लगता है कि ये चलता रहे और मैं हंसता रहूँ। रियली आई एम फीलिंग समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेट। थैंक यू सो मच बच्चों, डन, यू हैव डन वंडरफुली। बॉबी, Kapil is always very funny. I have tears in my eyes laughing. Thank you. Thank you, Bobby. Shweta is also very good. Mubin is also very good. Very good. Timing बहुत अच्छा, इतना प्यारा है. Comedy में यही तो होता है, एक फेंके दूसरा लपेटता, अच्छा फेंकते अच्छा लपेटते भी अच्छा है. Arbaaz? I think ये act purely was Kapil's act, but very ably supported by the two of you all. So very enjoyable act, fantastic. Thank you Arbaaz. Kapil. मुझे लगता है तेरे खेत में मैं आवाज हूँ, शायद मैं भी डांस करने लग जाऊँ। भाजी मैं मेरे फादर रेसलिंग करते थे, उसी के बिहाफ पे वो पंजाब पुलिस में भर्ती हुए थे। मेरे पापा आपके इतने फैन थे, मैं जब भी आपको देखता हूँ मुझे मेरे पापा नजर आते हैं आपको। तो मैं आज दिल से बड़ा खुश हूँ और इतना एक्साइटेड मैं कभी नहीं हुआ। मुझे सब अपने लगते हो, इतने लगते हो कि मैं बता नहीं सकता। आई एम बॉर्न टू लव ओनली, दैट्स ऑल। थैंक यू भाजी, लव यू भाजी। आज जी टुडे आफ्टर लॉन्ग टाइम। कपिल, दिस वॉज फॉर यू। हर बॉल पे चौका छक्का मार के मतलब हमारा दिल जीत लिया है। हंसते हंसते तनस कर जाना, वो भी कमाल है। चीनी वाली बात भी, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट। नो बट दैट इज अ वंडरफुल पॉइंट, यस आई फॉरगॉट अबाउट दैट, वेरी वेल डन। जब तारीफ निकलती है रुकती नहीं, वो उछल के आ जाती है बाहर। Time now for the scores, judges. Right from the stand-up to Raj's writing to the three of you and especially you, Kapil. Thank you, ma'am. 10 points to Arjuna. Only 10. Thank you so much, ma'am. Arbaaz. The team. Thank you, Arbaaz. 10 points to Arbaaz. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी धर्म जी का और बॉबी का. Thank you so much, sir, for coming on our show. 50 साल से भी अरसा ज़्यादा हो गया मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए. मैंने अपनी फिल्मों के माध्यम से जाती तौर पर जी भर के प्यार बांटा है और उससे कहीं ज़्यादा प्यार मुझे मिला है, जिसका जीता जागता सबूत आज इस कॉमेडी सर्कस के मंच पे आके आप लोगों के बीच में आके महसूस हो रहा है। कहूँगा शोहरत तो एक नशा है, चढ़ता तो उतर भी जाता है। प्यार मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिल में घर कर जाता है, इसलिए शोहरत खो देने का कतई दुख नहीं होगा। हाँ, जिस दिन आपने मुझे दिल से निकाल दिया
वो सदमा शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं बहुत जगह गया हूँ लेकिन यहाँ आके पता नहीं क्यों आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं जाके शायद आधा पौना घंटा साइकिल चलाऊँगा खुशी में। पहले आधी पौनी बोतल पीता था, अब आधा घंटा साइकिल चलाऊंगा, फिर जो बन पड़ा वो करूंगा ताकि मैं ठीक रहूं, शक्ल अच्छी रहे, पूरी कॉमेडी सर्कस में जो भी जुड़ा इससे जुड़ा हुआ उसके लिए जी जान से दुआएं हैं। कौन है आज की फ्रूटी मैजिकल परफॉर्मेंस के विनर्स? आई थिंक सुदेश जी विंस, कृष्णा जी विंस एंड सिद्धार्थ। आपको हंसाने के लिए हमारी टिकड़ियां सब कुछ करेंगी। Only on Fruity Presents Comedy Circus के अजूबे। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन।